कंट्रोल रिले ऑफ। तो यहां पर देखिए सबसे पहले प्रोग्राम में ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले MCRA यानी मास्टर रिले, मास्टर कंट्रोल रिले ऑन मैंने लिया। ऑन होने पे क्या होगा, अगर आपने ये इनपुट प्रेस कर दिया तो रिले मेरी एक्टिवेट हो जाएगी और इसके अंदर के जो भी हमारे प्रोग्राम है यानी ये देखिए यहाँ से एक्टिवेट होगी और यानी यहाँ से एक्टिवेट होगा और यहाँ तक डीएक्टिवेट है, यानी मैंने एक जोन बना दिया। आप एक जोन डिसाइड कर सकते हैं कि आपका प्रोग्राम कहाँ तक है। तो बीच में वन नंबर इनपुट से जीरो नंबर आउटपुट है, टू नंबर इनपुट से वन नंबर आउटपुट है। अगर आप वन प्रेस करेंगे तो जीरो आउटपुट ऑन होगा, टू करेंगे तो वन होगा, राइट। यहां तक है, देन लास्ट में MCRD यानी डीएक्टिवेट लगा दिया। तो यहाँ सबसे पहले एक्टिवेट एंड देन लास्ट में डीएक्टिवेट और बीच में मैंने मास्टर कंट्रोल रिले ऑन किया, देन यहाँ पे ऑफ कर दिया। तो इन दोनों के बीच में जो भी प्रोग्राम होगा वो चलेगा कब, जब मास्टर कंट्रोल रिले मेरी क्या होगी, ऑन होगी। अगर मास्टर कंट्रोल रिले ऑफ है तो इनके बीच का प्रोग्राम नहीं चलेगा। एक बार मैं आपको ऑपरेट करके इसको दिखा देता हूँ। ये देखिए अभी यहाँ पे अगर प्रोग्राम आप देख पा रहे हैं, ये है एक्टिवेट और सबसे लास्ट में डीएक्टिवेट, इसके बीच में फिर मैंने मास्टर कंट्रोल रिले मैंने यहाँ पे लगा दिया। देखिए अब अगर मैंने यहाँ पे मास्टर कंट्रोल रिले ऑन नहीं की है और उसके बाद देखिए अगर मैं प्रेस करता हूँ वन एंड टू नंबर, तो देखते हैं क्या होता है। देखिए वन नंबर प्रेस करने पर यहाँ पे देखिए ये आउटपुट को सिग्नल तो गया लेकिन आउटपुट मेरा ऑन नहीं हुआ। यहाँ देखिए कोई भी आउटपुट ऑन नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे टू नंबर इनपुट दूंगा तो देखिए सिग्नल तो गया लेकिन आउटपुट ऑन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा यहाँ पे जो मास्टर कंट्रोल रिले है ऑन नहीं है। जब तक ये ऑन नहीं होगी बीच में जो भी आउटपुट है वो ऑन हो ही नहीं सकते। यानी देखिए ये वन नंबर प्रेस करेंगे ये आउटपुट नहीं आ रहा है, टू करेंगे नहीं आ रहा है, क्योंकि बीच में जो भी आउटपुट है ये ऑन हो ही नहीं सकते जब तक कि मास्टर कंट्रोल रिले ऑन नहीं होगी। तो सबसे पहले MCRA ये इसी तरीके से रहेगा, लास्ट में डीएक्टिवेट हो गया। यहाँ पे देखेंगे ये लास्ट में डीएक्टिवेशन इस तरीके से लगा रखा है हमने, राइट। अब यहाँ पे देखेंगे, अब मैंने अगर जीरो नंबर से सबसे पहले मैंने क्या किया, मास्टर कंट्रोल रिले ऑन किया। ऑन होने के बाद अब बीच में जो इनपुट अगर आप देंगे, देखिए जीरो नंबर आउटपुट भी आ रहा है यहाँ पे देखिए इस साइड, और अगर टू नंबर प्रेस करेंगे तो भी आउटपुट आ रहा है, वन नंबर करेंगे तो भी आ रहा है। यानी मैंने रिले ऑन किया, ऑन होने के बाद बीच में जो आउटपुट है वो मेरे काम करेंगे, अदरवाइज अगर रिले ऑन नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। जैसे घरों में MCB लगी होती है, MCB ऑन किया और बीच में जो भी अंदर रूम है उनको सप्लाई जा सकती है। तो आप यही अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे MCB ऑन किया तो ही सप्लाई जाएगी और बीच में अंदर जो रूम में स्विचेज हैं वो ऑन करेंगे तो काम होगा। इसी तरीके से मास्टर कंट्रोल रिले अगर आप ऑन करेंगे तो बीच में जो भी आउटपुट है उसके बाद एक्टिवेट होंगे। जैसे ऑन है, अब यहाँ से इनपुट देंगे तो हमारा फंक्शन चल रहा है, सारा काम हो रहा है। अगर इनपुट आप हटा देंगे मास्टर कंट्रोल रिले का और फिर आप वन नंबर इनपुट देंगे या टू नंबर, देखिए नहीं चल रहा है। अब देखिए मैंने इनपुट दिया, उसके बाद देखिए ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, सारे फंक्शन चल रहे हैं। अगर आपने मास्टर कंट्रोल रिले का इनपुट ऑफ कर दिया तो देखिए बीच में जो आउटपुट है वो बंद हो गए, यानी इनकी डिपेंडेंसी इन रिले के ऊपर है। तो ये प्रोग्राम में हम काफी ज्यादा यूज करते हैं। देखिए ऑन करेंगे तो ये भी चल रहा है, अगर ऑफ कर दिया अब करेंगे तो नहीं चलेगा, बाय द वे ये ऑन करेंगे तभी चलेगा। तो ये बेसिकली एक इमरजेंसी की तरह भी यूज करते हैं। आप चाहते हो कि एक प्रोग्राम को अगर आप बाईपास करना चाहते हो, आप चाहते हो प्रोग्राम मेरा आपके अकॉर्डिंग चले जब आप चाहें, तो उसके लिए आप किसी भी इनपुट से आप इसको कंट्रोल करा सकते हैं और इसको फिर आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रोग्राम कंट्रोल, प्रोग्राम कंट्रोल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए यूज किया। अभी देखिए दो आउटपुट को मैंने यहाँ से कंट्रोल किया। इस तरीके से मास्टर कंट्रोल जो रिलेज होती हैं वो काफी ज्यादा यूज होती हैं प्रोग्राम के अंदर। सो होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को देख के आप मास्टर कंट्रोल रिले के सर्किट्स आप बना सकते हैं। काफी अच्छे लेवल पे हम सर्किट यूज करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। तो आगे वीडियोस के लिए लगातार मेरे चैनल को फॉलो करते रहें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, आगे वीडियोज के लिए लगातार बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।